हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम मीता बिश्नोई। मानसून का मंथ है जुलाई और ये पूरा सीजन जुलाई अगस्त सितंबर खूब बारिशें होंगी। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि गार्डन में कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो मॉइस्चर बहुत लाइक करते हैं और पानी, बारिश का पानी में रहें तो बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। तो ये जितने भी प्लांट्स मैं आज बताऊँगी सारे रेनी सीजन में बहुत बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे और आपको इनकी चिंता करने की एकदम भी ज़रूरत नहीं है। कोई फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है। खाली अगर वेल ड्रेनिंग सॉइल है, अगर पॉट में है, ज़मीन में है, तो वो भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वेल ड्रेनिंग सॉइल है और ड्रेनेज होल खुला हुआ है बस। और ये प्लांट्स बाहर इतने बढ़िया हो जाएंगे। सबसे पहला प्लांट है ये वाटर पाम। ये बहुत इन्जॉय करता है। अगर आपका पिडिलेंथस का पेड़ है तो पिडिलेंथस बहुत स्ट्रॉन्ग स्टर्डी प्लांट है, इसकी चिंता करने की एकदम भी ज़रूरत नहीं है। मगर वही है, पानी एकदम खड़ा नहीं रहना चाहिए, कंटिन्यूस बारिश होती रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी ड्रेन होता रहे। और ये पिटोस्पोरम है, ये भी बहुत इन्जॉय करेगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वेल एस्टेब्लिश प्लांट्स है। अगर आपने नया प्लांट लगाया है फिर तो इसको कुछ दिन थोड़ा, अगर कंटिन्यूस बारिश होती है तो शेड में रखना पड़ेगा। जैसे मेरा वेल एस्टेब्लिश प्लांट है तो ये तो बारिश में ही रहता है, इसको कहीं भी मूव करने की ज़रूरत एकदम भी नहीं है। अब मॉन्स्टेरा की जितनी भी वैराइटीज़ हैं वो सारे बहुत अच्छा करेंगे अभी बारिशों के दिनों में, तो इनको तो बाहर रहने दे सकते हैं, कभी भी इनको अंदर रखने की बारिश में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ ऐसे प्लांट्स मैंने बाहर रखे हुए हैं जो इन्जॉय करेंगे बारिशों में। अब ये देखिए, ये ड्रेसिना की वैराइटीज़ हैं, कई वैराइटीज़ हैं और जितनी भी वैराइटीज़ हैं सारी बहुत इन्जॉय करती हैं बारिशों में। ड्रेसिना में और वैराइटीज़ हैं, सॉन्ग ऑफ इंडिया, सॉन्ग ऑफ इंडिया भी बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाएगी इनमें और आप डिफरेंस देखेंगे बारिशों के बाद कि इसकी कितनी अच्छी फ्रेश लीव्स हो गई हैं और ग्रोथ शुरू हो गई है। इनमें कुछ फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है, बारिश का पानी इनफ है। और यही, ये भी एक और वैराइटी ऑफ ड्रेसिना है, ये भी एक और ड्रेसिना है, ड्रेसिना मार्जिनाटा। इसको भी आप आराम से रखिए, कुछ नहीं होगा एकदम भी और बहुत हेल्दी हो जाएंगे। ये कॉर्न प्लांट है, ये भी एक ड्रेसिना की वैरायटी है और ये भी आप बारिश में आराम से रख सकते हैं। सेंचेजिया एक और प्लांट है जो मॉइस्चर बहुत लाइक करता है अपने सॉइल में, इनफैक्ट अगर एक दिन भी इसको पानी ना मिला तो ये एकदम मुरझा जाता है, तो ये भी बहुत अच्छे से ग्रो करेगा मॉनसून में। पेनीवॉट है, पेनीवॉट को तो बारिश इतनी पसंद है, आप इनमें डिफरेंस देखेंगे, बहुत अच्छी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। आपको दिखाती हूँ, इनमें फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है, इनके लिए ये मौसम बहुत ही बढ़िया है। पोलियस की जितनी भी वैरायटी है ये रेनी सीजन एंजॉय करेंगे, प्रोवाइडेड इनकी जो मिट्टी है वेल ड्रेनिंग है, पानी टिकता नहीं है। पोलियस में अगर स्टैंडिंग वाटर रह जाता है तो इसमें बहुत जल्दी स्टेम्स ख़राब हो जाती हैं, तो ये स्पेशल ध्यान रखना है। अगर वेल ड्रेनिंग सॉइल है, स्टैंड पे रखा हुआ है और गमला एकदम बड़ा नहीं है, तो ये जितनी भी कोलियस की वैरायटी है ये आप आराम से मॉनसून में बाहर रख सकते हैं। मोगरे का पेड़ मॉनसून में एकदम बाहर रह सकता है, इसको एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इनफैक्ट बहुत अच्छे से ग्रोथ शुरू हो जाएगी। सिंगोनियम्स चाहे पिंक हो, ग्रीन हो, इनको बारिशों में कोई नुकसान नहीं होगा, प्रोवाइडेड वेल ड्रेनिंग सॉइल हो और गमला बहुत बड़ा ना हो। ये सिंगोनियम काफ़ी वेल ग्रोन है, ये बाहर ही रहता है, बारिशों में कोई प्रॉब्लम इनको नहीं होती है, तो पॉट बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर कंटेनर बहुत बड़ा होता है तो पानी का मैनेजमेंट ठीक नहीं हो पाता है। मनी प्लांट या पोथोस किसी भी वैरायटी का हो, सबको बहुत पसंद है बारिशें, इसमें ज़रूर अगर अंदर रखा है तो कोशिश करें इसको
मॉनसून में कुछ बारिश में बाहर रखें। बारिश का पानी मिलते ही इनमें एकदम, चाहे नियॉन पोथोस हो चाहे जेड पोथोस हो, सब में एकदम शाइन आ जाएगा। मार्बल क्वीन भी एक और प्लांट है जो अगर वेल एस्टेब्लिश्ड है तो आप इसको कुछ दिन बाहर रख सकते हैं, मगर ये थोड़ा डेलिकेट होता है। इनफैक्ट ये और नियॉन पोथोस एक आध बारिश के बाद अगर आप अंदर रख लें तो बहुत अच्छा रहेगा इसके लिए। एक आध बारिश में तो ये बहुत हेल्दी हो जाते हैं, कंटिन्यूस बारिश हुई और या बाय चांस अगर इसमें पानी रुका रह गया तो इसमें रूट रॉट ज़्यादा जल्दी होता है। अगर ये वाइन्स अगर हैंगिंग पॉट में लगी हुई हैं तो प्रॉब्लम कम होती है, आपको कुछ हिलाने की ज़रूरत नहीं है, ये यहीं पे बहुत अच्छे से ग्रो करेंगी। हैंगिंग बास्केट का एडवांटेज होता है कि इनमें पानी टिकता नहीं है। हर एक टाइप के पाम्स जितने भी हैं, एरिका पाम है, ये टेबल पाम है, सारे बहुत इंजॉय करते हैं रेन्स। फर्न है, जो फर्न बहुत मॉइस्चर लाइक करता है, आपको पता ही होगा ये माउंटेन्स में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं जहाँ पर ह्यूमिडिटी लेवल बहुत हाई होता है और कंटिन्यूस हल्की फुल्की बारिश थ्रू आउट द ईयर होती रहती है। हर टाइप का फर्न, चाहे वो क्रिसमस फर्न हो या बॉस्टन फर्न हो, सब बहुत मॉइस्चर लाइक करते हैं और रेन्स में बहुत इंजॉय करेंगे। पान की वाइन को कंटिन्यूस पानी में आप रख सकते हैं और इनकी लीफ का साइज़ भी बहुत अच्छा हो जाएगा और ग्रोथ बहुत बढ़िया हो जाएगी, आप डिफरेंस देख सकेंगे जैसे ही बारिश आनी शुरू होती है। शेफलेरा का प्लांट भी आप कंटिन्यूस बारिश में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी शेफलेरा वैरायटी हो आपके पास, ये वेरीगेटेड वाली हो या प्लेन वाली, सब बहुत अच्छे से ग्रो करेंगी।